हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एमकॉम कोर्स के फर्स्ट ईयर के बारे में मैंने कम्प्लीटली बता दिया था, आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाकर के सबसे पहले उसको देख लो। प्लस टॉपिक जो हम लोगों ने स्ट्रेटेजी स्टार्ट करा था वो मैंने आपको समझा दिया था। आज हम बात करने वाले हैं नेचर ऑफ स्ट्रेटेजी के बारे में, कि जो नेचर है स्ट्रेटेजी का वो कैसा होता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो, इसको पूरा देखना ताकि आपको समझ में आ जाए। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि नोट्स अवेलेबल हैं इन सारे कोर्सेज के। दिसंबर में जब आप एग्जाम दोगे या उसके बाद भी जब आप एग्जाम देने वाले हो, मैं सारे स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ, नोट्स अवेलेबल है हमारे पास। आप नोट चाहो तो परचेस कर सकते हो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे, एंड वो नोट्स एटलीस्ट आप 70-80% आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जामिनेशन में आएंगे, उससे ज्यादा भी आ सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से स्टडी कर रहे हो। ठीक है, तो नोट्स अवेलेबल होंगे, लेक्चर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, चैनल पे जब आप आए हैं तो प्लेलिस्ट को अच्छे तरीके से देखिए, प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उन सबको आप वॉच करेंगे डेफिनेटली आपको वहां से हेल्प मिलेगी। प्लस आप अगर नोट्स परचेस कर लेते हैं तो सोने पे सुहागा, आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे एग्जामिनेशन में आएंगे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नेचर ऑफ स्ट्रेटेजी। So, based on the above definition that we have discussed in the last video, there are following natures of strategy that you can say जो कि aspects हैं. A few aspects regarding nature of strategies as follows. यहाँ पे कुछ aspects दिए हुए हैं nature के कि strategy किस तरीके से काम करती है, strategy क्या होती है, उसके बारे में हम एक-एक करके बात करेंगे। सबसे पहला point यहाँ पे जो है वो ये है कि strategy is a major course of action through which an organization relates itself to its environment, particularly the external factors. To facilitate all actions involved in meeting the objective of the organization. देखो, स्ट्रेटेजी हम तैयार कब करते हैं? आप अपने दिमाग में जरा सा सोच करके देखो कि हमें प्लानिंग कब करनी पड़ती है। प्लानिंग हमें तब करनी पड़ती है जब हमें कोई चीज, बड़ी चीज करनी होती है, जब हमें इस बात का डर होता है कि हो सकता है कि हम फेल कर जाएं। तो क्यों ना हम इस चीज के ऊपर अच्छे तरीके से स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं ताकि हमारे फेल होने की गुंजाइश, इस काम को ना कर पाने की गुंजाइश जो है बहुत ही हद तक कम हो जाए। तो स्ट्रेटेजी जो यहाँ पे किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है ताकि जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं या फोर्सेस हैं जिसकी वजह से हमारे बिजनेस के काम करने के तरीके के ऊपर असर पड़ेगा या कुछ नुकसान पहुंचेगा, उस नुकसान की भरपाई हम कैसे करेंगे, हम किस तरीके से उस नुकसान के साथ लड़ेंगे, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस के साथ हम किस तरीके से लड़ेंगे, उसको लेकर के हमें स्ट्रेटेजी तैयार करनी होती है ताकि हम ठीक तरीके से उन सारी चैलेंजेस को टैकल कर सकें। राइट, तो स्ट्रेटेजी एक मेजर कोर्स ऑफ एक्शन होता है जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने एनवायरनमेंट के साथ, खासकर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, जो उसके फैक्टर्स होते हैं, उसके साथ वो एक तरीके से ठीक तरीके से लड़ सके। जब भी कोई प्रॉब्लम उस तरीके की हो तो उसके जो एक्शंस होते हैं वो उसको फैसिलिटेट करता है, स्ट्रेटेजी उसको फैसिलिटेट करती है जहाँ पे वो जो भी उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं या फिर जो भी उसके टारगेट्स हैं वो उसको ठीक तरीके से अचीव कर पाती है विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेटेजी। कोई भी बिजनेस को स्ट्रेटेजी प्लान करनी होती है क्योंकि उसके लिए जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो एक तरीके से अनकंट्रोलेबल है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होता है वो अनकंट्रोलेबल होता है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। सो इन दैट केस वी विल हैव टू मेक सम स्ट्रेटेजी टू यू नो टैकल दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, टू टैकल दैट काइंड ऑफ फैक्टर्स व्हिच आर यू नो इन्फ्लुएंसिंग योर बिजनेस ऑफ वर्किंग। आप किस तरीके से काम कर रहे हो जब उसके ऊपर असर पड़ता है तो फिर आपको इन सब चीजों के बारे में ध्यान देना इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्ट्रेटेजी बनानी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, स्ट्रेटेजी इज ब्लेंड ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स टू मीट द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स प्रोवाइडेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स आर मैच्ड विद देम। ठीक है ना, तो स्ट्रेटेजी में एक तरीके से जो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं दोनों का ब्लेंड होता है, दोनों मिक्स होता है एक तरीके से। यहाँ पे सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि हमारा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उससे हम लड़ेंगे तो बस हो जाएगा, नहीं, आपको अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ लड़ने के साथ साथ आपका इंटरनल एनवायरनमेंट भी उसके साथ इन्फ्लुएंस्ड होगा। आपको अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में भी थोड़े बहुत चेंजेस लाने पड़ेंगे, आपको अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में भी एग्जिस्टिंग फोर्स है जो कि उसके साथ लड़ेगी, आपको उसको मोटिवेट करना पड़ेगा, उसको एनकरेज करना पड़ेगा ताकि वो उन सारी चीजों को टैकल कर सके, है ना। तो यहाँ पे जो ब्लेंडिंग है वो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स की होती है, ना कि सिर्फ एक फैक्टर की होती है। तो यहाँ पे जो भी आपके अपॉर्चुनिटीज है विद थ्रेट्स है एक्सटर्नल फैक्टर्स के द्वारा, जब आप उनको एक तरीके से टैकल करते हो तो वहाँ पे इंटरनल फैक्टर्स जो होते हैं उनको भी आपको मैच करना होता है, उनके साथ भी आपको एक तरीके से तालमेल बिठाना पड़ता है। तीसरा पॉइंट है, स्ट्रेटेजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शन एम टू मीट अ पर्टिकुलर कंडीशन। तो स्ट्रेटेजी एक कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शन, है ना, यहाँ पे कोई एक एक्शन नहीं लिया जा रहा, कोई एक चीज नहीं की जा रही, यहाँ पे बहुत सारे चीजों को किया जा रहा है लेकिन उनका टारगेट एक ही है, उनको अचीव करने का जो टारगेट है वो सेम है,
आप सेम चीज को अचीव करना चाह रहे हो, एक पर्टिकुलर कंडीशन में आप काम कर रहे हो, तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शंस है वो आप यहाँ पे करोगे स्ट्रेटजी के तहत। टू सॉल्व सर्टेन प्रॉब्लम्स, यहाँ पे कुछ सर्टेन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करने की कोशिश करते हो, और टू अचीव अ डिजायर्ड एंड। ठीक है, द एक्शंस आर डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट सिचुएशन। अब जो एक्शंस होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। सही बात है, जैसा सिचुएशन होगा, जैसा माहौल होगा, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, है ना। तो यही होता है यहाँ पे भी। Due to its dependence on environmental variables, the strategy may involve a contradictory plan action, है ना? तो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात बोली गई, जो आज पिछले क्लास जो पिछले टॉपिक में मैंने कहा था वही उसी बात को यहाँ पे एक तरीके से एक्सटेंड किया गया है कि ड्यू टू इट्स डिपेंडेंस ऑन एनवायरमेंटल वेरिएबल्स। हम जो अपनी स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे हैं वो एनवायरमेंटल वेरिएबल्स के ऊपर तैयार कर रहे हैं, एनवायरमेंट को ध्यान में रख करके कर रहे हैं। तो एनवायरमेंट में जब किसी तरह का चेंज आ जाएगा तो हमारा जो एक्शन है, जो काम करने का तरीका, उसमें भी बदलाव आएगा। तो वही बात यहाँ पे बोली गई है कि ड्यू टू इट्स डिपेंडेंस ऑन एनवायरमेंटल वेरिएबल्स स्ट्रेटेजी में इन्वॉल्व अ कॉन्ट्राडिक्शनरी एक्शन, है ना। जो एक्शन है वो कॉन्ट्राडिक्शनरी भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। एन ऑर्गेनाइजेशन may take contradictory actions either simultaneously, या तो simultaneously लेगी, एक के बाद लेगी, एक साथ लेगी, या और with a gap of time, और थोड़ा थोड़ा gap लेकर के लेगी। ठीक है, for example a firm is engaged in closing down of some of its businesses and at the same time expanding some। ठीक है, strategy देखो इनकी, एक टाइम पे वो लोग बहुत सारे बिजनेसेस को अपना, जो उनका आउटलेट्स वगैरह सब कुछ जो भी होगा उसको वो बंद भी कर रहा है, साथ ही साथ वो एक्सपेंड भी करना चाह रहे हैं। तो उनकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, आप जरा सोच करके देखो। हो सकता है कि जिनको वो बंद कर रहे हैं वहां पे उनको अच्छा इनकम नहीं मिल रहा हो, अच्छा आउटकम उनको नहीं मिल रहा हो, तो वो उन सारे प्रोजेक्ट्स को, उन सारे आउटलेट्स को बंद कर रहे हैं और नए आउटलेट्स खोल रहे हैं जहाँ पे उनको लगता है कि वहां पे उनको अच्छा प्रॉफिट, वहां पे अच्छा इनकम उनका हो सकता है। आप समझ रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पर बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि बिजनेस, एक फर्म जो है अपने बिजनेसेस को कहीं कहीं पे बंद भी कर रही है, साथ ही साथ वो एक्सपेंड करना भी चाह रही है, एक्सपेंड भी कर रही है। समझ रहे हो आप। अगला पॉइंट है, स्ट्रेटजी इज फ्यूचर ओरिएंटेड। जो स्ट्रेटजी होती है वो भविष्य को ध्यान में रख करके बनाई जाती है। स्ट्रेटजी एक्शंस आर रिक्वायर्ड फॉर न्यू सिचुएशंस व्हिच हैव नॉट अराइजन बिफोर इन द पास्ट। जो स्ट्रेटजिक एक्शंस होते हैं वो एक तरीके से ऐसे एक्शंस होते हैं जो कि नए सिचुएशंस में बनते हैं, जो कि पहले कभी नहीं हुए होते हैं। नया सिचुएशन पर नया होता है, ऐसा सिचुएशन पहले नहीं हुआ होता है, तो वहां पे आपको नई स्ट्रेटजी वहां पे बनानी पड़ती है। स्ट्रेटजी रिक्वायर्स सम सिस्टम्स एंड नॉर्म्स फॉर इट्स एफिशिएंट अडॉप्शन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। जो स्ट्रेटजी होती है इसके तहत कुछ सिस्टम्स होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं जो कि अपनाने पड़ते हैं इनका एफिशिएंट काम करने के लिए, और ये अपनाना इंपॉर्टेंट है ताकि एफिशिएंटली काम कर सके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, आखिरी जो यहाँ पे पॉइंट है वो ये है कि स्ट्रेटजी प्रोवाइड्स ओवरऑल फ्रेमवर्क फॉर गाइडिंग एंटरप्राइज थिंकिंग एंड एक्शन। तो स्ट्रेटजी एक तरीके से आपको पूरा का पूरा एक फ्रेमवर्क तैयार करता है जिसके तहत आप जो है आप सोचेंगे या अपने कोर्स ऑफ एक्शन को आप तैयार करेंगे, प्लान करेंगे, ये सारी की सारी चीजें जो है स्ट्रेटजी ही आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है ना, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसके जरिए हम लोगों ने नेचर ऑफ स्ट्रेटजी समझने की कोशिश की है। ये अगला पैराग्राफ भी हम लोग कर लेते हैं। द पर्पस ऑफ अ स्ट्रेटजी इज टू डिटरमाइन कम्युनिकेट अ पिक्चर ऑफ एंटरप्राइज थ्रू अ सिस्टम ऑफ मेजर ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज। ठीक है, तो जो पर्पस होता है स्ट्रेटजी का वो एक तरीके से ये होता है कि वो जो कम्युनिकेशन है वो ठीक तरीके से हो सके, कम्युनिकेट अ पिक्चर ऑफ एंटरप्राइज, एक एंटरप्राइज को वो किस तरीके से आगे लेकर के जा सकते हैं, उस चीज को कम्युनिकेट करना सभी लोगों के साथ, जो उनका मेजर ऑब्जेक्टिव्स है या जो पॉलिसीज है उसको इम्प्लीमेंट करना, किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट करोगे, उसके लिए स्ट्रेटजी एक तरीके से तैयार करवाई जाती है। स्ट्रेटजी इज कंसर्न विद यूनिफाइड डायरेक्शन एंड इफिशियंट एलोकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। तो स्ट्रेटजी में क्या होता है, आप एक यूनिफाइड डायरेक्शन में काम करते हो, आपका जो काम करने का डायरेक्शन होता है वो सेम होता है, आप डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे होते हो, है ना। तो उसके कारण से जो आपकी एफिशिएंसी है वो भी बढ़ती है ना। तो यहाँ पे ये भी बात साथ में बोला गया है कि यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं, चाहे वो कुछ भी हो, लैंड, लेबर, कैपिटल, कुछ भी हो, उसका ठीक तरीके से इस्तेमाल हो पाता है क्योंकि आपका डायरेक्शन जो है वो यूनिफाइड है। अ वेल मेड स्ट्रेटजी गाइड्स मैनेजेरियल एक्शन एंड थॉट। एक अच्छी स्ट्रेटजी जो होती है वो मैनेजेरियल एक्शन और थॉट को एक तरीके से गाइड करती है। इट प्रोवाइड्स एन इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्स इन मीटिंग द चैलेंजेस पोज्ड बाय एनवायरमेंट। देखो यहाँ पे एनवायरमेंट का चक्कर हर जगह पे मिलेगा आपको। स्ट्रेटजी जनरली एनवायरमेंट को ध्यान में रख करके, एनवायरमेंट मतलब इंटरनल एक्सटर्नल बहुत सारी चीजें होती हैं जो आसपास में हो रही होती हैं, उन सबको ध्यान में रख करके तैयार करवाई की जाती है। ठीक है ना, तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि आपको नेचर समझ में आ गया होगा स्ट्रेटजी का, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। अगर आपको समझ में आया है तो भाई लाइक कर दो प्लीज,
और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी स्टडी भी ठीक तरीके से हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय, थैंक यू।